नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खबरों के साथ। पीएम मोदी ने हैदराबाद के नागरिकों को दी मेट्रो की सौगात। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद आज से देश का 8वां शहर बनने जा रहा है जहाँ पर मेट्रो चलेगी। 72 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना के पहले चरण का शुभारम्भ होने के बाद कल से ही नागोला से मियापुर तक की मेट्रो आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह शहर में नो एंट्री होने पर भी ट्रकों के आवागमन के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं इन घटनाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। हाल ही का एक मामला सामने आया है जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद भी ट्रक चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ वाले इलाका होने के कारण लोगों ने उसे पकड़ लिया। बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत सुजोली रेंज क्षेत्र गडेरियानपुरवा निवासी रमेश साहनी की बेटी ममता बीती शाम अपनी मां के साथ शौच के लिए खेत में गई थी। शौच के दौरान ही एक शेरनी ने 9 वर्षीय बालिका को अपना निवाला बना लिया। ग्रामीणों को तकरीबन 2 घंटे बाद झाड़ियों में बालिका का शव मिला। इसकी सूचना तत्काल वन कर्मियों को दी गई, किंतु शेर के हमले के 4 घंटे बाद भी कोई वन कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। शेयर बाजार में भारत 22 ETF की हुई लिस्टिंग। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत 22 ETF कुल 4 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि एंकर इन्वेस्टर का हिस्सा 6 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि सरकार ने इसके जरिए कुल 14,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें केंद्र सरकार की कंपनियां सहित 6 कोर सेक्टर की 22 कंपनियों के शेयर शामिल हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 85.12 अंक गिरकर 33,639.32 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी सूचकांक शुरुआती दौर में 17.30 अंक गिरकर 10,382.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मैगी के सैंपल फेल होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नेस्ले कंपनी समेत डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रेताओं पर 62 लाख का लगाया जुर्माना। बता दें कि मैगी सैंपल फेल होने पर 45 लाख का जुर्माना नेस्ले कंपनी पर लगाया गया है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर समेत 6 विक्रेताओं पर 70 लाख का जुर्माना लगाया गया। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट डेवलपरों पर कसा शिकंजा। बता दें कि विभाग 1 साल से ज्यादा समय से पड़े अनबिके फ्लैटों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। इससे डेवलपर्स के भविष्य में दाम बढ़ने की उम्मीद के फ्लैटों को रोक कर रखने की रणनीति पर लगाम लगेगी। सूत्रों के मुताबिक संपत्ति के मूल्यांकन की गणना उसकी सालाना कीमत के आधार पर की जाएगी। 1 जुलाई से लागू हुए GST के बाद कई कारोबारियों को जहां इससे थोड़ी राहत मिली है, वहीं छोटे कारोबारियों के खिलाफ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबरों के मुताबिक GST से देश में छोटे एक्सपोर्ट्स पर बड़ी मार पड़ सकती है। नोटबंदी के बाद भारी मात्रा में नकदी बैंक खातों में जमा कराने वालों के खिलाफ आयकर विभाग अगले साल जनवरी में कार्रवाई शुरू करेगा। इसके दायरे में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने बैंकों में बड़े पैमाने पर नोट जमा की है, लेकिन कोई आयकर रिटर्न नहीं भरा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिकारियों को ऐसे लोगों या फर्मों को नोटिस भेजने के लिए 31 दिसंबर तक का पूरा करने का निर्देश दिया है। जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी नई 2018 मॉडल ई-वीटो लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद डीजल से चलने वाली वैन का पूरा मुकाबला करेगी। इस इलेक्ट्रॉनिक वैन को एक बार फुल चार्ज कर 150 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। वहीं रफ्तार की इस होड़ में हुंडई भी अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक कार ईवी का लॉन्च कर रही है। मेरे साथ फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।